अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि हमने शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज की मुकम्मल कर लिए थे और आज हम मूव करेंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर। और टेक्स्ट बुक अपने पास खोल लें ताकि मैं आपको यहां से क्वेश्चन समझा दूं और फिर सॉल्व आपके सामने मैंने बोर्ड के ऊपर किया हुआ है और सॉल्यूशन मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जो आपका न्यूमेरिकल है 3.1, अपने पास टेक्स्ट बुक पे देख लें ज़रा, 3.1 प्रॉब्लम है आपके पास। पहले जो मैं सवाल आपको समझा देता हूँ, कहता है कि अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज़ इट्स मास। कहता है कि 20 न्यूटन की एक फोर्स है जो कि एक बॉडी को मूव करवाती है, कितनी एक्सेलरेशन के साथ, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ। तो मास आपने फाइंड करना है, मास फाइंड करने को हमें कहा जा रहा है। तो सबसे पहले सवाल में जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो आपने नोट करनी है, जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि उसने कहा है कि अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दो चीज़ें उसने हमें दी हुई हैं, एक है फोर्स 20 न्यूटन और दूसरी है एक्सेलरेशन जो कि है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फाइंड क्या करने हैं हमने, मास। ये हमारी क्वेश्चन के अंदर ही सारी वैल्यू होंगी गिवन टू फाइंड। और फाइंड हमने सॉल्यूशन अब क्या करना है जी, गिवन वैल्यू को अगर आप देखें आपके पास फोर्स है और एक्सेलरेशन है और मास आपने फाइंड करना है। तो अगर आपको याद हो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ आपने एक इक्वेशन निकाली थी न्यूटन के सेकंड लॉ के तहत जो कि क्या थी, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करते हुए हम फाइंड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए, वेयर एफ इज़ द फोर्स, एम इज़ द मास एंड आई इज़ द एक्सेलरेशन। अगर आप गौर करें तो इन तीन चीज़ों में से हमें दो चीज़ें क्वेश्चन के अंदर गिवन है और एक हमने फाइंड करनी है। सो दिस फार्मूला इज़ सूटेबल फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ मास। तो ये फार्मूला हमारे लिए ईजिली मास फाइंड कर सकता है। अब अगर आप गौर करें तो एफ इज़ इक्वल टू एम ए है जबकि हमने एम फाइंड करना है। अगर आप इसको अरेंज दोबारा करके लिखें, जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है उसको लेफ्ट साइड पे और जो वैल्यू गिवन है जिसमें आपने वैल्यू पुट करनी है राइट साइड पे कर लें, तो m के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है तो a को बोथ साइड पे डिवाइड करें तो आपके पास एफ एम इज़ इक्वल टू एफ ओवर a है। या दूसरी चीज़, m आपने फाइंड करना है, a मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक साइड पे a मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो m इज़ इक्वल टू एफ ओवर a आ जाएगा। अब f कितना है जी, 20 न्यूटन, और ए कितना है आपके पास, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 20 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 10। और एम मास की ऐसा यूनिट क्या है जी, किलोग्राम। तो मास हमारे पास कितना आ गया जी, 10 किलोग्राम। तो 10 केजी का वो मास था जिसमें आपने 20 न्यूटन फोर्स लगा के कितना एक्सेलरेशन उसको करवाया था, कितना एक्सेलरेट करवाया था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया न्यूमेरिकल 3.1। इसमें अगर कोई सवाल हो आपने पूछना हो तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.2 ज़रा देख लें, पहले क्वेश्चन ज़रा समझ लें। 3.2 में कहता है कि द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन, व्हाट इज इट्स मास, टेक द वैल्यू ऑफ जी एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी हमारे पास जो बॉडी का वेट है, जो वज़न है, 147 न्यूटन है। ये एक हमारे पास गिवन वैल्यू है, व्हाट इज़ इट्स मास, आपने उसका मास फाइंड करना है। और कहता है कि अपनी आसानी के लिए आप जो वैल्यू ऑफ जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू ले लें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ज़रा गौर करें तो आपको दो चीज़ें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वेट ऑफ अ बॉडी जिसको हमने किससे ज़ाहिर किया, डब्ल्यू के साथ, उसके बाद वैल्यू ऑफ जी भी आपको गिवन है ब्रैकेट के अंदर उसने लिखी हुई है क्योंकि ये इस्तेमाल होगी तो इसलिए ये वैल्यू उसने दी हुई है। वैल्यू ऑफ जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड क्या करना है आपने, मास, एम आपने फाइंड करना है। अभी आप क्वेश्चन के अंदर देखें तो गिवन वैल्यू और जो फाइंड करनी है तो इसके तहत हमारे पास जो सूटेबल फार्मूला है वो कौन सा है जी, वेट का आ सकता है। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन या अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ द वेट, वेट इज़ इक्वल टू एम जी, वेयर एम इज़ द मास एंड जी इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और वैल्यू ऑफ जी। तो यहाँ पे उसी चीज़ की तरह जैसे एफ इज़ इक्वल टू एम ए था तो एम फाइंड करना था तो ए डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे सेम केस है, एम फाइंड करना है, जी मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आगे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, या दो बोथ साइड पे जी को आप डिवाइड कर लें।
तो m आपके पास क्या आ गया, w डिवाइडेड बाय g, ठीक है। अब w भी अगर आप देखें तो आपको गिवन है, g भी गिवन है, सो वैल्यू पुट करके आप मास की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो w की वैल्यू आ गई 147 न्यूटन और g की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 10, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 147 डिवाइडेड बाय 10 आपके पास क्या आ जाएगा, 14.7 kg, kg से मुराद किलोग्राम। तो इतना आपके पास जो है वो क्या है जी, उस बॉडी का मास है जो कि आपने फाइंड करना था। सो ये 3.2 जो है ये आपके पास सॉल्व हो चुका है। आसान है, मुश्किल नहीं है। 3.1 भी आपके पास आसान है और 3.2 भी आपके पास आसान है। 3.1 में मैंने न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई किया है और 3.2 में मैंने वेट की डेफिनेशन यानी वेट का फार्मूला इस्तेमाल किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, 3.3 क्वेश्चन पहले ज़रा सुन लें, ज़रा देखें अपनी टेक्स्ट बुक पे। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। अब जैसे नेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास बॉडी है, इसका कितना मास है, 10 kg। उसका सवाल ये है कि आप इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाओ कि ये 10 kg वाला मास नीचे गिरने से क्या हो जाए जी, बच जाए फ्रॉम फॉलिंग, गिरने से। तो इसका सिर्फ और सिर्फ आपको वे मास पता है जो कि उसने दिया हुआ है आपको, जो कि है 10 kg। मास हमारे पास कितना है जी, 10 kg। आपने वो फोर्स फाइंड करनी है जो उसको नीचे गिरने से बचा के रखे। तो फोर्स आपने फाइंड करनी है। आपको पता है कि जब भी किसी चीज़ के ऊपर ग्रेविटी लगती है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एक्ट करती है। तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे स्मॉल जी भी इस्तेमाल होगा जो कि फार्मूले में हमने इस्तेमाल किया हुआ है। अब बात समझने की यह है कि आप उस बॉडी को गिरने से बचा रहे हैं एक चीज़ कि उस बॉडी का अपना कुछ वेट होगा, और आपको पता है कि वेट ही बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से अर्थ उसे अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इसीलिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का और वेट का हो रहा है, ठीक है। तो वो जो फोर्स आप लगा रहे हो, द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट फ्रॉम फॉलिंग इज इक्वल टू द इट्स वेट। वो जो फोर्स आप लगा रहे हो उस बॉडी पे जो उसे गिरने से बचा रही है वो किसके बराबर है, उसके वजन के बराबर है। अब आपने अपवर्ड फोर्स लगाई हुई है वो जो कि गिरने से बचा रही है, और वो जो बराबर किसके आ रही है, इस बॉडी का डाउनवर्ड वेट। सो फोर्स बचाने वाली किसके बराबर है, उस बॉडी के वेट के। सो इसीलिए मैंने लिखा हुआ है कि फोर्स इज इक्वल टू वेट एंड वेट इज इक्वल टू एम जी, और वेट हमें पता है कि उसका क्या फार्मूला है, एम जी। अब आप देखें आपके पास एम है और जी आपको पता है कि कांस्टेंट है 10 m/s², तो इसीलिए एम की वैल्यू 10 kg और जी की वैल्यू 10 जो कि कांस्टेंट है, मैं इस्तेमाल करके वो फोर्स निकाल सकता हूँ जो उस बॉडी को गिरने से बचा रही है। सो 10 × 10 = 100, तो 10 kg बॉडी के ऊपर मैं 100 N फोर्स लगा रहा हूँ उसे नीचे गिरने से बचाने के लिए। सो ये कॉन्सेप्ट आपने ज़रा जहन में रख लेना है तो आपको समझ आ जाएगी। तो इसीलिए मैंने F=W और W=mg इस्तेमाल किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अ क्वेश्चन। सो ये 3.1, 2 और 3 आप जो है समझ लें, उसके बाद अपने पास नोट कर लें ताकि आपको बाद में काम आ सके। तो ये जो है हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने 3.1, 3.2 और 3.3 न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लिए।